दोस्तों आज का जमाना फुल टू एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया है और वैज्ञानिक दिन प्रतिदिन नए नए आविष्कार करते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों सदियों से चली आ रही हमारी पृथ्वी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो खोजी नहीं गई है। जहां वैज्ञानिक आविष्कार करने में लगे हैं, वहीं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हर पुरानी और रहस्यमयी चीजों को ढूंढना चाहते हैं जो इतिहास के पन्नों को और ज्यादा साफ कर दे। क्योंकि दोस्तों लगातार नई नई चीजें बनने का मतलब नहीं है कि हम अपनी उन पुरानी चीजों को भूल जाए जो कभी अस्तित्व में थी। हालांकि दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट सालों तक चीजों खोजने में लगे रहते हैं और उन्हें धूल मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी उनके हाथ कुछ ऐसी नायाब और अनोखी चीजें लग जाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। तो दोस्तों मैं यानी आपका होस्ट हूं दोस्त सैम, आपके फेवरेट चैनल में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ढूंढी गई ऐसी नायाब चीजों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आप दंग रह जाओगे। तो दोस्तों देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारा अनोखा वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। स्टोनहेंज। दोस्तों स्टोनहेंज इंग्लैंड में मौजूद ऐसे पत्थरों का समूह है जिसके बारे में जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहली बात तो आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि स्टोनहेंज करीब 4000 साल पहले का है और कुछ मान्यताएं हैं कि स्टोनहेंज के बनने में पूरे 1500 साल लगे। अब दोस्तों अब इन पत्थरों को देखा जाए जो आपस में जुड़कर एक बड़ा सा सर्कल बनाते हैं, इसके अलावा इनमें कुछ खास नहीं लगता जो इन्हें बनने में 1500 साल लगे। लेकिन दोस्तों होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके आसपास के 5 किलोमीटर में खुदाई की तो वहां पर इंसानों की हड्डियां, हथियार और बड़े बड़े पत्थर मिले, जिससे बात सामने आती कि सालों तक इस जगह पर लोग निवास करते थे। लेकिन आज ये इंग्लैंड का बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, हर कोई यहाँ आकर देखना चाहता है 4500 साल पहले बने इन पत्थरों का आखिर मतलब क्या था। द लोस्ट माया। दोस्तों मैक्सिको में मौजूद इस माया सभ्यता के बारे में जानकर आप यकीन नहीं करोगे, सालों पहले के लोग इतने एडवांस भी हो सकते हैं। 600 एडी से 900 एडी तक मौजूद ये माया सभ्यता इतनी ज्यादा एडवांस थी कि उस समय उनके पास कैलेंडर से लेकर कैलकुलेटर तक सब कुछ मौजूद था। और दोस्तों जब साइंटिस्ट ने 2012 में पृथ्वी के खत्म होने की बात कही थी तो वो इसी माया सभ्यता के कैलेंडर से ली गई थी, क्योंकि सन 2012 के बाद इस कैलेंडर को बनाया ही नहीं गया, इसलिए वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि शायद उसके बाद दुनिया ही ना रहे। और दोस्तों अगर आप इस माया सभ्यता की आर्किटेक्चर डिजाइन को देखेंगे तो आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे, क्योंकि उस समय इन्होंने इतनी बेहतरीन कारीगरी दिखाई जिसे देखकर लगता है मानो ये आजकल की एडवांस मशीनों के द्वारा बनाई गई हो। जब उस समय की कोई मशीन उपलब्ध नहीं थी, अगर कुछ था तो वो था माया सभ्यता के लोगों के तेज दिमाग जिन्होंने ये अजूबा करके दिखाया। क्लॉप्ट्रा टोम। क्लॉप्ट्रा एक ऐसी रानी जो अपने इंटेलिजेंस, ब्यूटी और रोमांटिक लाइफ के लिए जानी जाती थी। दोस्तों क्लॉप्ट्रा पर 13 मूवीज बन चुकी है जिसमें इनके और इनके लवर मार्क एंटोनी की लव लाइफ के बारे में दिखाया गया है। दोस्तों ये दोनों ही 31 BC में बैटल ऑफ एक्टियम के दौरान मर गए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि अभी तक क्लॉप्ट्रा और मार्क एंटोनी का टॉम नहीं मिला है। ये कहीं ना कहीं इजिप्ट में ही मौजूद है, जिसे ढूंढने के लिए कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट कई सालों से मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक क्लॉप्ट्रा का टॉम रहस्य बना हुआ है। द हॉबिट्स। दोस्तों हॉबिट केवल हॉलीवुड फिल्म लॉर्ड ऑफ रिंग एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि आज से लगभग 19 लाख साल पहले इस तरह के जीव धरती पर पाए जाते थे। जी हाँ दोस्तों, 2003 में इंडोनेशिया के एक आइलैंड में एक स्केल्टन मिला। ये स्केल्टन लगभग 30 साल की महिला का है जिसकी लंबाई 1.6 मीटर थी, जो ये बात प्रूफ करता है कि आज से लाखों साल पहले इस धरती पर अजीब से दिखने वाले लोग रहते थे। दोस्तों ऐसा कई बार देखा गया है कि जहां पर अलग तरह के इंसानों की बनावट वाली हड्डियां पाई गई हो, जो समय समय पर हमें ये बताती है कि आज से लाखों साल पहले हमारी इस पृथ्वी पर ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद थी जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। स्टोन स्फीयर्स इन कोस्टारिका। कोस्टारिका दोस्तों सुनने में बहुत बड़ा कूल लग रहा है ना, लेकिन इसके पीछे एक कहानी बड़ी रहस्यमयी है। जहां से करीब 90 साल पहले यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने केले के प्लांटेशन के लिए एक जगह पर खुदाई की, और खुदाई करते वक्त उन्हें यहां सैकड़ों की तादाद में कुछ छोटे और कुछ बड़े पत्थर मिले। हालांकि उनमें से कुछ पत्थरों का डायमीटर 1-2 इंच का ही था, लेकिन कुछ पत्थर इतने विशाल थे कि वो एक साथ 10 से 15 लोगों को कुचल सकते हैं। इन पत्थरों के बनने की असली वजह तो अभी तक नहीं पता चली,
लेकिन कहा जाता है कि पहले के समय में वहां पर कम्युनिटीज डिवाइड करने के लिए इस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल होता होगा, क्योंकि पहले के समय में गोल पत्थरों का आकार चलन में था। लेकिन उन विशाल पत्थरों के बनने की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।